चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन के जंगी जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो धरती पर कई बार महाविनाश ला दें, लेकिन यूक्रेन की उस जंग में पुतिन प्रलय लाने वाले इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसे उनके वॉर प्लान को जीत में वो सीक्रेट हथियार बदल पाएंगे जो न सिर्फ दुश्मन की सेना को पंगू बना देंगे बल्कि दुश्मन को पलटवार के लायक भी नहीं छोड़ेंगे और इनसे दुश्मन की जमीन पर मौत का आंकड़ा भी नहीं बढ़ेगा। नौ महीने से जारी जंग में बातचीत के लिए अब तक जमीन तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन यूक्रेन का चप्पा चप्पा हर दिन रूसी मिसाइलों के हमले से दहल रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में आए दिन परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर खबरदार किया जा रहा है। खेरसान से रूसी सेना के पीछे हटने को पुतिन की सबसे शर्मनाक हार करार दिया जा रहा है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदेव ने ऐसी धमकी दे दी है कि पश्चिमी देशों को सांप सूंघ गया है। अपनी शर्तों पर युद्ध विराम की डिमांड करने वाले जेलेंस्की के जहन में भी खौफ पसर गया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदेव ने रूस और पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि रूस ने अभी तक अपने सारे हथियारों, सैन्य उपकरणों और अपने जंगी जखीरे के घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, आबादी वाले इलाकों में स्थित दुश्मन के ठिकानों पर हमला नहीं किया है। मेदवेदेव की ये वार्निंग क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दी गई है, तो इसका जवाब है शायद नहीं। मेदवेदेव का इशारा पुतिन के उन सीक्रेट हथियारों की तरफ है जिसका बैटल फील्ड में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इन सीक्रेट हथियारों में सबसे पहला नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में ये खबर छाई हुई है कि पुतिन अगर परमाणु हमला नहीं करेंगे तो वो बॉन्ड स्टाइल में हाइपरसोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना को पंगु बना सकते हैं, और फिर पुतिन रूसियों के लिए जंग के विजेता और पश्चिमी देशों के लिए विलन बन सकते हैं। रूस का तो यहाँ तक दावा है कि ईएमपी उसके जंगी जखीरे का ये वो नेक्स्ट जनरेशन हथियार है जो नाटो के हथियारों को अंधा कर देगा। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, अटैक हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को पल भर में जमीन पर गिरा सकता है। ये हथियार दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मिलने वाले कमांड सिग्नल को जाम कर सकता है और वो निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के लिए जवाबी हमले या बचाव तक के लिए कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यूक्रेन से युद्ध में रूस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से लैस अपने लड़ाकू विमानों या ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो ये हथियार बैटलफील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तैयार करेगा और इससे दुश्मन के इलेक्ट्रिकल पावर और कंप्यूटर सर्किट बोर्ड वाले तमाम डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, यूक्रेन के पावर ग्रिड्स हो या फिर कम्युनिकेशन टावर्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको बेकार कर सकता है जो यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस और काउंटर अटैक के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। Russians will respond to this escalation by the United States and Britain by their own escalation into what could be a new era of warfare. By that I mean by applying the state-of-the-art weaponry that they have developed, which has only appeared in the United States, and that is what's called electromagnetic pulse attack. The what kind of a EPM attack Russia might make is debatable. Let me just point out that if such an attack were made, it would further develop what the Russians have done by destroying the infrastructure of energy generation and distribution in 40% of Ukraine. That is to say, an EPM attack would wipe out electricity in all of Ukraine, and it would therefore bring the Ukrainian armed forces to their knees. The question that is open is what kind of EPM device the Russians might deploy. The Western propagandists
of which the Financial Times is a leading example. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। रिमोट से चलने वाला ये हेलीकॉप्टर इस ईएमपी डिवाइस से जैसे ही करीब आता है, अचानक से वो नीचे गिरने लगता है और फिर देखते ही देखते धराशाही हो जाता है। जंग के मैदान में भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों और अटैक्स हेलीकॉप्टर्स का ऐसा ही हश्र करने वाला है रूस। यही सोचकर अब यूक्रेनी सेना में दहशत पसर गई है। इस ईएमपी डिवाइस के करीब आते ही जैसे इस कार के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठप हो गए और कार रुक गई, ठीक ऐसा ही यूक्रेनी टैंकों के साथ होगा और फिर वो रूसी मिसाइलों का निशाना बन जाएंगे। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों का तो यहां तक दावा है कि रशियन स्पेशल फोर्स इस खास हथियार से लैस हो चुकी है, जो 6 मील के दायरे में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठप कर सकती है। जुलाई में ही रूस ने नई ईएमपी कैनन के बारे में दावा किया था, जो मीलों दूर से दुश्मन के कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर सकती है। और अब पश्चिमी वेपन एक्सपर्ट जस्टिन ब्रोंक के मुताबिक रूसी सेना के पास काफी संख्या में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस है। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक रूस अपने टारगेट पर कैसे हमला करेगा वो भी समझ लेते हैं। रूसी सेना के वॉरशिप या एयरक्राफ्ट से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागी जाएगी। इलेक्ट्रिकल करंट से कनेक्शन वाला स्विच दबाते ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस होगी और भीषण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक शुरू हो जाएगी और फिर 6 मील के दायरे में कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई ठप हो जाएगी। अब जो खेरसान में रूसी सेना के बैकफुट पर आने के बाद पुतिन की पलटन ने दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं, तब आशंका जताई जा रही है कि पुतिन ईएमपी स्ट्राइक कर लाखों यूक्रेनियों को अंधेरे में ढकेल सकते हैं, यूक्रेनी सेना को पंगु बना सकते हैं। अब तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इस युद्ध को हाइब्रिड वॉर करार दिया है। ऐसे में ईएमपी अटैक की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। Yes, there is war, hybrid war in Ukraine that the West has started, and they were preparing this war for many years, starting from the moment when they supported. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जैसे हथियार बनाने के लिए रिसर्च पर काम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गया था। अमेरिका में भी ऐसे कई घातक हथियारों पर काम हो रहा है, जैसे यूएस एयरफोर्स चैंप मिसाइल तैयार कर रही है। लेकिन रूसी हथियारों को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 कदम आगे बढ़कर खतरा जाहिर कर दिया है। नासा के मुताबिक ये ईएमपी डिवाइस अक्सर रूसी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे जिरकॉन आदि में लगी होती है, जो स्पेस में 120 मील दूर फायर होगी तो अमेरिका के बराबर साइज के इलाके में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसों को ठप कर सकती है। अगर नॉन न्यूक्लियर मिसाइल दागी जाए तो 6 मील के दायरे में दुश्मन का इलाका खाक में मिल जाएगा। असल में दुनिया में ईएमपी हथियारों से उतना खतरा नहीं है जितना कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से है। अगर एक खास तरीके से परमाणु बम को ब्लास्ट कराया जाए तो वो सामान्य हीट वेव और रेडिएशन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। क्वांटम इफेक्ट थ्योरी के मुताबिक अगर न्यूक्लियर बम को जमीन से 20 किलोमीटर या उससे ज्यादा ऊपर ब्लास्ट कराया जाए तो इससे 3 लेयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है, जो कि प्रभावित होने वाले दायरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तबाह कर सकती है। क्योंकि ब्लास्ट जमीन पर नहीं होता, इसलिए वेव भी हवा में ही क्रिएट होती है और इसके असर का दायरा पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए पुतिन के दुश्मनों में खौफ, घबराहट और बेचैनी छाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पो
पुतिन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक करने वाले हथियारों की विध्वंसक ताकत को देख इसे दुनिया ई बॉम्ब का नाम दे रही है। लेकिन पुतिन के अदृश्य बाहुबलियों में दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक वेपन्स का भी है, जिसके इस्तेमाल से यूक्रेनी सैनिक हथियार छोड़कर भाग खड़े होंगे, उनके दिमाग की नसें फट जाएंगी, यानी कि गोलाबारी और बमबाजी के बिना ही पुतिन के दुश्मन उनके सामने पस्त हो जाएंगे। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस से ऐसी धमकी आई जिसने अमेरिका को हैरान कर दिया। नाटो परेशान है और यूक्रेन तो बदहवास है, क्योंकि 9 महीने लंबे चल चुके युद्ध में रूस अब बारूदी हमलों के अलावा ऐसा हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है जिससे यूक्रेनी सैनिक हथियार छोड़कर भाग खड़े होंगे, उनके कान सुन्न हो जाएंगे, दिमाग की नसें फट जाएंगी, आंखों से खून निकल आएगा। यानी बिना गोली और बम के ही रूस के दुश्मन ढेर हो जाएंगे। जी हां, रूस ने अब अपने जंगी जखीरे से एक ऐसा प्लयकारी हथियार निकाला है जिसे एटम बम भी गिराना नहीं पड़ेगा, और तबाही उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदेव ने धमकी दी है कि इस जंग में रूस ने अब तक अपने सारे हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। ऐसे में खतरा इस बात का है कि जेलेंस्की को सरेंडर कराने के लिए पुतिन अपने सीक्रेट अल्ट्रासोनिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों से निपटने के लिए रूस पहले भी अल्ट्रासोनिक हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही कह चुके हैं, रूस भले ही जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन अल्ट्रासोनिक हथियारों से अपने दुश्मनों से निपट सकता है। अब रूस का फाइनल प्रहार तैयार है, अल्ट्रासोनिक हथियार। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, इतने कि अगर रूस परमाणु बम गिराएगा तो यह धरती 3 बार बर्बाद हो जाए। लेकिन रूस ऐसा करेगा तो मॉस्को में भी एटम बम गिरेंगे। इसलिए रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन जंग में रूस परमाणु बम तो नहीं गिराएगा, लेकिन अपने सीक्रेट हथियारों जैसे अल्ट्रासोनिक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर अल्ट्रासोनिक हथियार होते क्या हैं? दरअसल ये लंबी रेंज के एकॉस्टिक डिवाइस होते हैं। ये एक नया हथियार है जिसे कई देश एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई में आजमाते रहे हैं। अल्ट्रासोनिक हथियार कई तरह के होते हैं। ये इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। बेहद घातक किस्म के सोनिक हथियार 1 सेकंड में 1000 से ज्यादा कंपन कर इंफ्रा या अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। इसका मुख्य काम काफी तेज आवाज के जरिए दुश्मनों को गंभीर रूप से जख्मी करना होता है। अल्ट्रासोनिक हथियार काफी तेज आवाज को इकट्ठा कर एक केंद्रित बीम बनाते हैं और फिर दुश्मन पर हमला करते हैं। इसे खास दिशा में छोड़ा जा सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स दीवार के पार भी जा सकती हैं। पावरफुल साउंड वेव से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी ये अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स इंसान को पागल और घायल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो ये अल्ट्रासोनिक हथियार जान तक ले सकते हैं। अल्ट्रासोनिक हथियार एक तरह के माइक्रोवेव जनरेटर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इस तरह के हमलों में एक हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है।
फिलहाल दुनिया में काफी कमजोर अल्ट्रासोनिक हथियारों का इस्तेमाल कई देशों की पुलिस घरेलू प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए करती है, लेकिन इसकी क्षमता काफी कम होती है और मकसद प्रदर्शनकारियों को सिर्फ भगाना होता है, उन्हें घायल करना नहीं। लेकिन जंग के मोर्चे पर इस्तेमाल होने वाले अल्ट्रासोनिक हथियारों से निकलने वाली शॉक वेव ज्यादा तबाही मचाने वाली होती है, इसलिए इन्हें दूसरे हथियारों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इस तरह के वेपन से किए गए हमलों में शरीर के ऊपरी बाहरी चोट के निशान या तो होते नहीं या काफी कम होते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी हिस्सों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। रूस का दावा है कि उसके पास दुनिया के मोस्ट एडवांस यानी सबसे घातक अल्ट्रासोनिक वेपन्स हैं। इसलिए रूस न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसके साथ खड़े नाटो और अमेरिका को भी इन हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहा है। अब रूस और यूक्रेन के जंग में अल्ट्रासोनिक अटैक का नया खतरा सामने आया है। तब अमेरिका की नींद उड़ी हुई है क्योंकि क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका के 24 राजनयिकों पर सोनिक हमले पहले हो चुके हैं। तब कुछ को दिमागी चोट या इंजरी की समस्या हुई थी तो कुछ को वर्टिगो की शिकायत होने लगी। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन की युद्ध भूमि में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेनी सेना के लिए वहां जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अमेरिका और नाटो के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।